आवाज उतनी स्पष्ट नहीं जाती है। आप देखिए कितना सुंदर समय आ गया, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर अपनी पूर्णता की ओर है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया और आज माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। 128 करोड़ की निर्माण कार्यों का आज शिलान्यास है और साथ ही 15 करोड़ के रोपवे का भी आज लोकार्पण होगा। पर्यटन की असीमित संभावनाओं को साकार करता ये आयोजन, जिसमें आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन हम सभी करते हैं। सबसे पहले माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में नमन करने के लिए गए, मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और भूमि पूजन करके कार्यों का शिलान्यास किया, शुभारंभ किया। अब वो महिलाएं नहीं आ रही हैं, कहने की आगे जगह आगे की काफी जगह खाली है, जो लोग पीछे खड़े हैं या जो पीछे बैठे हैं वो आगे की तरफ आ जाए ताकि पीछे की जगह खाली हो और पीछे जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। आगे काफी जगह खाली है, आप आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। विंध्याचल मंदिर के चारों ओर 50 फीट की परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर को जोड़ने वाली चार प्रमुख गलियों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। मंदिर पर कोटा का निर्माण कार्य हो रहा है, रोड और मेन गेट की अवस्थापना का निर्माण कार्य हो रहा है, स्ट्रीट फसाद के कार्यान्वयन का निर्माण कार्य हो रहा है। बस कुछ ही पलों का इंतजार और हमारे बीच होंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और अन्य विशिष्ट मंत्रीगण, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, माननीय सांसद माननीय श्री राम शकल जी और माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी आगमन होगा। पीछे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, मैं देख रही हूं, उनसे अनुरोध है आगे काफी कुर्सियां खाली हैं, आप आगे आ जाएं, बैठ जाएं। जितने भी हमारे पंक्ति प्रभारी और व्यवस्थापक हैं कृपया ये देख लें कि आगे की कुर्सियां भर जाएं, आगे का जो खाली स्थान है पीछे के लोगों से भरें। महिलाओं की दीर्घा है, महिलाओं को इधर बैठा दें, हमारी माताओं और बहनों को कोई असुविधा ना हो उन्हें आगे की तरफ बैठा दें। शक्तिपीठ है और नारी शक्ति का ही प्रतीक है, उसे किसी तरह की असुविधा ना हो। माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का आगमन हो चुका है, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। जरा मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। जिस जोश से आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री मंच पर पधारे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप मंच पर देखें, तो इसी तरह भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। गतिविधियां बता रही हैं कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मेरे साथ जोश से बोलिए, भारत माता की, भारत माता, माता की, माँ विंध्यवासिनी की, विंध्याचल देवी की, माँ अष्टभुजा की,
एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, विशिष्ट जन के साथ शौर्य पराक्रम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी विंध्याचल की इस पावन धरती पर, जहां पर प्रकृति का आशीर्वाद चारों ओर बरसता है और आज तो इंद्रदेव का आशीर्वाद भी बरस रहा है। हमारी संस्कृति में यदि कोई शुभ कार्य करे और वर्षा की कुछ बूंदें आ जाएं तो उसे इंद्रदेव का आशीर्वाद मानते हैं और इसे परमात्मा का आशीर्वाद और कृपा मानते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ नजारा है। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और रोपवे के लोकार्पण समारोह में आज प्रकृति और परमात्मा दोनों आह्लादित हैं और इन नन्हे नन्हे बूंदों के माध्यम से अपना आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी विंध्याचल देवी के चरणों में प्रणाम करके, भूमि पूजन करके यहाँ आए हैं और यहाँ पर मंच पर कुछ ही देर में वो आएंगे फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। आप सोच नहीं सकते कि माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना जब संपूर्ण हो जाएगी तो कितना भव्य विंध्यवासिनी देवी का मंदिर होगा, उसके चारों ओर का परिदृश्य होगा, अवस्थापना सुविधाएं होंगी, विदेशी पर्यटकों और आज के समय के अनुकूल सारी सुविधाओं से इस परिक्षेत्र को सुसज्जित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, हमारे श्रद्धालुओं को, भक्तों को कोई असुविधा ना हो और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। विंध्य क्षेत्र विकसित होगा, समृद्ध होगा तो उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। आज आप सब यहाँ जितनी भी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हैं, मैं चाहूंगी कि जब आप तालियां बजाएं तो ऐसे बजाएं जैसे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता की तालियों की गूंज आपके हाथ में है। इस समय पूरा देश संचार माध्यमों के माध्यम से आप सबको देख रहा है, तो जोश और होश दोनों बनाए रखेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और पूरे जोश के साथ तालियों के माध्यम से आप मंच से जुड़ेंगे। बहुत समय बाद माननीय गृह मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। इस धरती का आशीर्वाद है हमें, प्रकृति का आशीर्वाद है हमें और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है कि आज विंध्य क्षेत्र में ये महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है। बस किसी भी क्षण माननीय गृह मंत्री महोदय मंच पर आएंगे और हम सब जोरदार तालियों से अपने भारत माता के जयकारे के साथ उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि देश है तो हम सब हैं, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है और माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म के मर्म को भी जानते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन जनहित के लिए दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक समृद्ध भारत जो आत्मनिर्भर हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ, और उसी कड़ी में आज का ये आयोजन है जो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक शक्ति का परिचारक है। पूरा विश्व भारत को इसी दृष्टि से देखता है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल का क्षेत्र जहाँ पर आदिशक्ति की ये पीठ है, जिसे हम विंध्याचल की पीठ कहते हैं, ये जागृत पीठ है, कहा जाता है, पुराणों में वर्णन है कि सृष्टि के प्रारंभ से ये पीठ है। वातावरण की गतिविधियां हमें इस बात का संकेत दे रही हैं कि इस कॉरिडोर के विकास यात्रा और विंध्य क्षेत्र की विकास यात्रा के लिए जो फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करके माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्टगण मंच पर पधारेंगे। आप सब बहुत धैर्य के साथ यहाँ पर आसीन हैं और इसी धैर्य और अनुशासन को बनाए रखेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी सहभागिता हो, आप कार्यक्रम से जुड़े, तालियों के माध्यम से अपने हृदय की बात मंच तक पहुंचाएं, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने में भी आप हमारा सहयोग करेंगे, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। ये कार्यक्रम हमारा, आपका, पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास और समृद्धि का कार्यक्रम है। हम सब
उत्साहित है, उल्लसित है, आह्लादित है। इसीलिए तो ये रिमझिम फुहारों का भी हम आनंद ले रहे हैं। प्रकृति अपना आशीर्वाद अपने ढंग से लुटा रही है और आज के इस शुभ काल में, शुभ समय में हमारे जैसे बहुत सारे स्वप्न विकास कार्यों के माध्यम से पूरे हो रहे हैं और एक नया उत्तर प्रदेश नई पहचान के साथ विकास के पथ पर दौड़ रहा है। हम सब उसके साक्षी हैं, यह हमारा सौभाग्य है। विंध्यवासिनी देवी की कृपा, माँ अष्टभुजा की ममता और इन सबसे घिरा ये विंध्य क्षेत्र जहाँ पर प्रकृति की अनुपम छटा है, चाहे जल प्रपात हो, चाहे पर्वत मालाएं हो, चाहे लहर के खेत हो, हरी भरी धरा हो, देवालय हो, शक्ति पीठ हो या हस्तशिल्प की भी बात करें, कालीन, दरी और पीतल के जितने भी हमारे हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, वो सारे कुछ ये धरती देती है। इतनी प्रतिभाशाली है ये धरती, इतनी गौरवमयी है ये धरती, इसको नमन करके हम स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, जब भी किसी चीज को देखते हैं तो बहुत सूक्ष्मता और गहराई के साथ देखते हैं ताकि उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिल सके और इसीलिए तो बहुत ही ध्यान से फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और सूची पर हमें वो यहाँ मंच पर होंगे हमारे बीच में। Yeah!
सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आध्यात्म संस्कृति की इस धरती विंध्य क्षेत्र की ये धरती ये नगरी जहाँ माँ गंगा की ममता भी है, विंध्य पर्वत का सुरक्षा कवच भी है और माँ विंध्यवासिनी देवी और अनेकों देवालयों का आशीर्वाद भी है। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपको हम सब की ओर से शत शत नमन। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हम स्वागत करते हैं। भारत सरकार की माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का भी हृदय से स्वागत है। माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा उत्तर प्रदेश माननीय श्री रमा शंकर सिंह पटेल जी का भी स्वागत है और मंच पर आसीन समस्त माननीय सांसद गण का स्वागत है। माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत है तथा मंच पर आसीन हमारे समस्त सम्मानित अतिथि गण का स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप अपने प्रणाम मंच तक पहुँचाएं और अपनी उसी संस्कृति की वही सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण के साथ हम आज इस समारोह का प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद अब बारी है अतिथियों के स्वागत की। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करें। माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद इस वस्त्र के माध्यम से और साथ ही GI प्रोडक्ट ये चित्र जो पद्मश्री रजनीकांत जी के द्वारा बनाया गया है, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद और साथ ही हम माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के मॉडल का भी चाहते हैं कि उन्हें भेंट किया जाए। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। और अब मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से जुड़े। GI प्रोडक्ट का ये स्मृति चिन्ह पद्मश्री रजनीकांत जी द्वारा निर्मित, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अब मैं माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आसीन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत करें।
साथ ही माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी का स्वागत करें, माननीय सांसद श्री राम शकल जी का स्वागत करें और माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्वागत करें। मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं माननीय पर्यटन मंत्री जी। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करें और मैं चाहूंगी आप सब तालियों के पुष्पों से मंचासीन समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सचमुच विंध्य क्षेत्र में प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। पर्यटन की असीम संभावनाओं को समेटे है ये क्षेत्र, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो या इको पर्यटन हो। और ये माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के निर्माण हो जाने से वास्तव में पर्यटन भी समृद्धि और विकास की ओर बढ़ेगा और इस माध्यम से उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, समृद्ध होगा। मैं माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित भाई शाह जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, राम शकल जी, माननीय सांसद माननीय रमाशंकर जी एवं मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, सामने बैठे भाइयों बहनों, आज अत्यंत गौरव का दिवस है और इस गौरव के दिवस पर, इस पुनीत दिवस पर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक ऐसे राष्ट्र नायक के सम्मान का, स्वागत का, अभिनंदन का, जिन्होंने देश की बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे 500 साल पुरानी हो या स्वतंत्रता के साथ शुरू हुई हो, सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया। हमें गौरव है ऐसे राष्ट्रनायक के स्वागत की, जिन्होंने 2017 में कुछ बिंदु निर्धारित करके उत्तर प्रदेश सरकार के गठन की परिकल्पना को लेकर के एक संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र को अभिनंदन करता हूं मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने उस संकल्प पत्र को ध्येय बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक बिंदु को पूरा किया है, एक एक बिंदु को पूरा किया है। आज प्रदेश में जिस भाव को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, उस प्रत्येक संकल्प को पूरा किया जा चुका है, किया जा चुका है। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सभी आस्था के केंद्रों को विकसित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय गृहमंत्री जी के प्रेरणा से आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने दिन रात संकल्प के साथ, कर्मठता के साथ पूरे प्रदेश के सभी आस्था के केंद्रों को विकसित करने का काम किया है। रामराज की परिकल्पना की भूमि, अयोध्या धाम के संपूर्ण विकास की परियोजना का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने की परिकल्पना के साथ अयोध्या में पर्यटन के विकास के कार्य चल रहे हैं। सखा भक्ति का प्रतीक निषादराज गुह की स्थली प्रयाग में श्री सिंगवेरपुर धाम के भी विकास का काम तेजी से चल रहा है। चित्रकूट धाम के विकास की परिकल्पना को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
वहां के विकास का बोर्ड का भी गठन करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया है और अद्भुत विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। नैमिष में, ब्रज क्षेत्र में, सूक्तीर्थ में, काशी में प्रत्येक आध्यात्मिक और आस्था के केंद्रों पर विकास का कार्य, पर्यटन के क्षेत्र में, धर्मांत कार्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी ने प्रारंभ कर दिया है या पूरा कर दिया है। ऐसे आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मां विंध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास की परियोजनाओं का स्वागत आज शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आह्लादित हैं अपने बीच। इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी को पा करके और हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय गृह मंत्री महोदय को माँ विंध्यवासिनी का एक चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र, उनके आशीर्वाद के साथ भेंट करें। माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से पुनः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद स्वरूप ये चित्र भेंट करके उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से वो आती हैं, प्रखर वक्ता हैं, समाज की बहुत सेवा की है उन्होंने। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने सुविचार व्यक्त करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मिर्जापुर की समस्त जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों की ओर से आज हमारे मिर्जापुर की धरती पर ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भारत के ऐसे गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने का अवसर मिला है जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करके न केवल भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है बल्कि भारत के भूगोल को भी बदल के रख दिया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस जनपद मिर्जापुर की धरती पर भारत के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर पा रही हूं जिन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस दिन से गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है उस दिन से लगातार बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का संकल्प लिया है और निरंतर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न जाने कितने 100 किलोमीटर सड़कों का, पुलों का, और उसका एक उदाहरण अटल टनल भी है। ये सब कुछ माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारत की सीमाएं आज कहीं ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं। ये सब कुछ हमारे गृह मंत्री जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत बदल रहा है। मैं ऐसे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह निरंतर हमारे इस जनपद को मिलता रहा है और एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनपद में आए हैं
और आज जिस विशेष कारण से वो यहां पर आए हैं उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर बार बार इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा के उद्देश्य से मिर्जापुर आने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नीलकंठ तिवारी जी का, हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी का, माननीय सांसद श्री राम शकल जी और हमारे सभी मिर्जापुर जनपद के सम्मानीय विधायकगण श्री राहुल प्रकाश कोल जी, श्री रत्नाकर मिश्रा जी, हमारी बहन सुचिश्मिता मौर्य जी, श्री अनुराग पटेल जी, आप सभी साथियों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। और खास तौर से आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से जिनके हृदय में इतना उल्लास नजर आ रहा है, ऐसी मैं जनता जनार्दन को मिर्जापुर की बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आपने निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि आज जिस पुनीत कार्य के लिए वो हमारे जनपद में अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं उसका इस जनपद के लिए क्या महत्व है। आज का ये दिन मिर्जापुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भी मिर्जापुर की विकास यात्रा में किसी प्रकार का विराम नहीं लगा है। और जिस पवित्र स्थल से मिर्जापुर की धरती की पहचान है, जहां से लाखों श्रद्धालु और दर्शनार्थी जुड़े हुए हैं और हर वर्ष पूरे देश के कोने कोने से चल के हजारों लाखों श्रद्धालु मिर्जापुर में चलकर आते हैं, विंध्य पर्वतमाला के तट उस पर बसे हुए स्थित हमारे विंध्यवासिनी मंदिर जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर के चारों ओर एक 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जाएगा और मंदिर की ओर आने वाले जो हमारे चारों मार्ग हैं उन सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारा विंध्याचल मेला परिक्षेत्र है उसका भी विकास किया जाएगा, वहां तमाम किस्म की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा ताकि देश भर से तमाम लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, बल्कि आने वाले समय में मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में दर्शन करने के लिए आने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो, ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत आज हो रही है। और इसके साथ ही साथ अष्टभुजा मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण और हमारे कालीखो मंदिर के लिए भी रोपवे का निर्माण, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ के लिए हमारे सभी विशिष्ट जन महानुभव आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उन सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। विशेष तौर से माननीय गृह मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने इन कीमती पलों को मिर्जापुर की जनता के लिए निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि आपके करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में ये इस पुनीत कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज इस मंच से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, हमारे मेडिकल की परीक्षा नीट में ऑल इंडिया कोटा के तहत जो MBBS और PG के एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें पिछड़ा वर्ग के 27% के आरक्षण कोटा को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कई सालों से परेशान थे क्योंकि हर वर्ष उनकी हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन जब यह मामला देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेष तौर से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय किया और इतने वर्षों से जो हमारे पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का मेडिकल के प्रवेश प्रक्रिया में MBBS और PG की सीटों में क्षति हो रही थी उस पर विराम लगाने का निर्णय लिया है। मैं उसके लिए भी पूरे पिछड़े वर्ग के हमारे अभ्यर्थियों की ओर से और जो हमारे EWS के साथी हैं जिनको भी सरकार ने इस प्रवेश प्रक्रिया
प्रक्रिया में 10% के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय किया है, उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही माननीय गृह मंत्री जी, आज के इस मंच से मैं आपको सरकार के एक और निर्णय के लिए साधुवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास के लिए, इस निर्णय के लिए कि जो हमारे जनपद प्रतापगढ़ का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय है उसका नामकरण अपना दल के संस्थापक यशोदाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वंचित शोषित समाज के अधिकार और उनकी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष करते करते निछावर कर दिया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमेशा जब भी आप यहाँ पर आए हैं हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, मिर्जापुर मेरा संसदीय क्षेत्र है और मिर्जापुर की मेरे जनता की आंखों में वर्षों से एक सपना पल रहा है और वह सपना है कि मिर्जापुर में विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप मेरे जनपद में आते हैं तो मैं अपने आप ही एक याचक बन जाती हूँ अपने जनता की ओर से, और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आपने हमारे जनपद को बहुत कुछ दिया है। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ कि मेरे मिर्जापुर वासियों की आंखों में जो सपना वर्षों से पल रहा है एक विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना का, आप उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े जनसैलाब के रूप में आज हमारे दोनों महानुभवों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए इस बारिश के मौसम में भी यहाँ पर उमड़ कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय भाजपा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो आस्थावान, निष्ठावान, कर्मठ तो हैं ही, साथ ही धर्म के मर्म को भी समझते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि विगत वर्षों में नेक इरादों के साथ अनेक विकास कार्यों को करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर खड़ा कर दिया है। और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं अपना यूपी है नंबर वन। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी का वो स्वप्न है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से अब साकार होने जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की। आज के इस पवित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह मंत्री प्रमादरणीय श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय सांसद श्री राम सकल जी,
माननीय विधायकगण श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री राहुल प्रकाश जी, श्री आशीष पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और माँ विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का माँ विंध्यवासिनी के इस धाम में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, माँ विंध्यवासिनी से हम सब प्रार्थना करें कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को इतनी ताकत दे कि दशकों से शतकों से इस देश की जो समस्याएं पैदा की गई हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस ओज और तेज के साथ विगत 7 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य किया है और जिस भाव के साथ आजादी के बाद पहली बार एक गृह मंत्री के रूप में देश की उन सभी ज्वलंत समस्याओं का समाधान, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, देश की आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हो, या फिर उन सभी मुद्दों को जिन्हें राजनीतिक स्वार्थों के लिए पिछली सरकारों ने इस देश के अंदर जबरन थोपा था, एक एक करके समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। मैं इसके लिए विंध्यवासिनी धाम के इस पवित्र क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी से उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ हृदय से इस पवित्र धाम में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को दता बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से अमिट हो गई जो आजादी के बाद
कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को, आतंकवाद की जन्य उस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूत करने का कार्य भारत की धरती से किया है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है, तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। आज अगर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, इसकी प्रेरणा किसकी है? पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने इस बारे में कहा था, प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का यह ध्येय होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। इस सत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें प्रवेश की प्रक्रिया का शुभारंभ भी होगा, और मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनकर के आगे उभरेगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कोई नहीं पहले बोलता था। 2019 में प्रयागराज कुंभ के समय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी पर्यटन केंद्र को लेकर के उसके पुनरोद्धार की और भारतीय आस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। और आज उसी श्रृंखला में आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन मां विंध्यवासिनी के इस धाम में, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के कार्य के शुभारंभ के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आप अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया के साथ एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज काशी में कार्य हो रहा है, आज अयोध्या एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है, आज चित्रकूट धाम, आज श्रृंगेरपुर धाम, आज नेमिस धाम, आज सुखतीर्थ, इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मां विंध्यवासिनी धाम में दो बड़े कार्यों का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। एक कालीखो और अष्टभुजी में रोप वे का शुभारंभ। कभी लोग सोचते नहीं थे कि इन तीर्थों में रोप वे भी लगेगा। उत्तर प्रदेश में रोप वे की कोई कल्पना ही नहीं करता था, लेकिन आज पर्यटन विभाग की तरफ से रोप वे का निर्माण का कार्य भी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो जाएगा। और साथ साथ मां विंध्यवासिनी का यह धाम जो हमारी सकल ऊर्जा का आधार है, मां विंध्यवासिनी आदिशक्ति है, मां भगवती है, और उनकी शक्ति के बगैर इस धरा से एक तिनका नहीं हो सकता। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था को सम्मान हो, बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो, ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहां के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस दिशा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना जो विशेष समय दिया है,
इससे पहले 2017 में जब उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी हो रहा था, तब आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दे उसमें जुड़वाए थे और उन्होंने उस समय कहा था कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा नहीं, पेयजल की उपलब्धता, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनकी अनुकंपा से हर घर नल की योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के सातों जनपद और बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में भी हर घर नल की योजना आज प्रारंभ हो चुकी है और दिसंबर तक अधिकतर परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस मां विंध्यवासिनी धाम में आदरणीय गृह मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, बिंदु क्षेत्र से आप जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी प्रतिबद्धता और संकल्प से निश्चित रूप से आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के स्वर्ग के रूप में विकसित होगा। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना, जिसके 128 करोड़ के निर्माण कार्य का आज शिलान्यास किया जा रहा है और 15 करोड़ के रोपवे का लोकार्पण हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। सकेंगे एवं प्रथम तल तथा छत पर धार्मिक गतिविधियों का संचालन हो सकेगा।
इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवन, पुनरावस्था एवं पुनर्चेतना प्रदान करना है, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु एवं आगंतुक अच्छे अनुभवों के साथ धार्मिक क्रियाकलापों का प्रतिपादन कर सके। और आने वाले दिनों में ये परिकल्पना भारत के मुख्य मंदिरों में अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। इस फिल्म के माध्यम से अभी आपने जाना कि आने वाले दिनों में माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, प्रांगण और आसपास का परिक्षेत्र कितना भव्य और दिव्य रूप में विकसित होगा। सचमुच विंध्य क्षेत्र इस कॉरिडोर के माध्यम से विकास की एक नई गाथा लिखेगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी कि माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के 128 करोड़ के निर्माण कार्यों और 15 करोड़ के रोपवे का लोकार्पण करें और कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास बटन दबाकर करने की कृपा करें। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और साथ ही रोपवे का लोकार्पण बटन दबाकर माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा शिलापट का अनावरण हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के विकास की गाथा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के शिलान्यास और रोपवे के लोकार्पण कार्य को अपने शुभ हाथों द्वारा संपन्न कराने के लिए। राजनीतिक कुशाग्रता, अभूतपूर्व संगठनात्मक क्षमता और प्रबंधन के कौशल में निपुणता और कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं माननीय श्री अमित शाह जी, जिन्होंने हमारे वर्षों के स्वप्न एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को साकार कर दिया। लक्ष्य को साधने की प्रतिबद्धता और उसे भेदने का साहस और कौशल, इसकी प्रेरणा देते हैं माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए कि आप पुनः हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पूर्वांचल वालों की आवाज को क्या हो गया है? दिल्ली में मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि मिर्जापुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी, यहां की लोकप्रिय सांसद, अपना दल की नेत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, रमाशंकर सिंह पटेल जी, श्रीमान राम सकल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक पंडित रत्नाकर जी, श्रीमती बाचिस्मिता जी, अनुराग सिंह जी, राहुल प्रकाश जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु यहां पर पूरे मिर्जापुर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं।
मित्रों, बहुत समय के बाद उत्तर प्रदेश में आया हूं मैं। कोरोना के कारण कार्यक्रमों पर बैन लग गया, उत्तर प्रदेश में आना जाना कम हो गया, मगर जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। और मित्रों, यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की। यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है सर्वाधिक सीटों के साथ देश भर में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मित्रों, आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया, आज मैं गर्व से बता रहा हूं कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हम सब हुआ करते थे, तब से विचारते थे, आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, कार सेवा में आते थे, कई लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कई पीढ़ियों तक संघर्ष 550 साल से चालू रहा कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते 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 आकाश को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत हो गई। पहले कुंभ को रोकने की बातें होती थी, यही उत्तर प्रदेश था, कुंभ होता था, कई लोग घिर कर मर जाते थे, अव्यवस्थाएं होती थी। आज योगी जी की सरकार बनी है। मैं मेरे जीवन काल में गत कुंभ के अलावे सब कुंभ में गया, जब से समझ आया सब कुंभ में गया हूं। प्रयागराज के कुंभ जैसी व्यवस्था मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। बहुत छोटा था तब दादाजी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे, लेकर आए थे, समझ भी नहीं थी मैं कहां आया हूं। बड़ा हुआ फिर भी आता रहा, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना, अनेक बार आया, मन उदास हो जाता था बाबा का दरबार देखकर। मगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे जीते जी बाबा का भव्य दरबार देखने का सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। भगवान काशी विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग अपनी शान के हिसाब से, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, इसके महिमा के हिसाब से नया बन रहा है। अब किसी को मां गंगा का जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रज तीर्थ का विकास हो, चित्रकूट धाम हो, या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव करना,
हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित करकर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति की है। लोगों के मन में कई बार होता था, ये सरकार किसकी, क्यों हमारी नहीं सुनती, क्यों हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होता, क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता है, क्यों यहां भव्य कॉरिडोर नहीं बनता है, क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं है, यात्रा अधूरी रह जाती थी। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों मां का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ है। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े मां बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। अरे व्यवस्था है, मैं पूछना चाहता हूं जो शासन में थे, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना जरा बताओ तो, क्यों व्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना, क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय रहे उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना, क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती है। ये सारे विकास के जो काम हो रहे हैं आज विशेषकर विंध्यवासिनी के शरण में मैं भी आया हूं, हमारे सारे नेता भी आए हैं। मां विंध्यवासिनी रामायण के समय से लोगों के कष्ट काटती है, कहते हैं अगस्त्य जी ने विंध्य को नमाने की ताकत यहीं से प्राप्त की। मां विंध्यवासिनी को ही महिषासुर मर्दनी कहते हैं, मां विंध्यवासिनी को कई लोग कृष्ण की बहन भी मानते हैं, और ये सब श्रद्धा की अभिव्यक्ति आज बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। ये मां जो यहां विराजमान है उसमें चारों वेदों का व्यास वास है, ब्रह्म मुहूर्त में मां का बाल स्वरूप का दर्शन होता है, मध्याह्न में युवा स्वरूप का दर्शन होता है, शाम में मां प्रौढ़ स्वरूप में दिखती है, और चौथे रूप में शाम देर रात को वृद्ध स्वरूप में दिखाई पड़ती है। आज मैं मध्याह्न में दर्शन कर आया हूं, कहते हैं जो मध्याह्न में विंध्यवासिनी की प्रार्थना करता है उसको अर्ध की प्राप्ति होती है, और मैंने वहां पर उत्तर प्रदेश के सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मन से मां विंध्यवासिनी को मैं प्रार्थना कर आया हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम हुए, और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्थाएं, मंदिर के गलियों के फसाद ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, मां विंध्यवासिनी को आने जाने वालों को जोड़ने का रोड जोड़ने का कार्यक्रम, विंध्याचल मेरा परिक्षेत्र में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहां पर शुरू होने जा रही है। मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि सभी वयस्क यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को आपने जो ये आज रोपवे बनाया है वो किसी श्रवण को कावड़ उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने मां बाप को लेकर यात्रा करा पाएगा। मित्रों, जब से मोदी जी की सरकार बनी, गरीबों पिछड़ों दलितों आदिवासियों के लिए इस सरकार ने ढेर सारा किया। अभी बहन अनुप्रिया ने कहा मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा एक फैसला लिया है, देश में जितनी भी स्नातक और अनुस्नातक MBBS MD और MS की सीटें थी वो सभी
केंद्र कोटा की 25% सीटों के अंदर ओबीसी के लिए 27% और गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। हमेशा ओबीसी मतदाताओं के पिछड़ों के वोट लेकर राज करने वाली कांग्रेस और स्थानीय पार्टियां कभी इसके कल्याण के लिए काम नहीं की। मोदी जी ने उनके लिए आयोग बनाने की बात करी, मोदी जी आज इनके लिए रिजर्वेशन भी ला रहे हैं और अन्य बिन आरक्षित जातियों के गरीब बच्चों के लिए भी 10% रिजर्वेशन की शुरुआत की। मोदी जी ने इस देश के समग्र जनता जो 18 साल से ऊपर की आयु है उसको मुफ्त में कोरोना का टीका देने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और जून महीने से दीपावली तक, अक्टूबर तक 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की योजना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं मानता हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। कोरोना के कारण ढेर सारी परेशानियां हुई हैं और इसका एक सरल रास्ता था कि देश की 80 करोड़ जनता को 6 माह तक मुफ्त में राशन देकर उन पर उनका बोझ कम कर दिया जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए और मैं साच अर्थ में कहता हूं, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करकर चुन चुन कर एक एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 5,50,270 करोड़ का बजट रखा है योगी जी ने, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद फिर से मिलने वाला है और मोदी जी की 5 ट्रिलियन का लक्ष्य भी पूरा होगा और योगी जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होने वाला है। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर वन है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर हुए और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर हुए, सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ है, 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी, 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है, 194 बन गए हैं, बच्चों के लिए निशुल्क दवाई किट देने का काम किया और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था हर 2 जिले के बीच में 1 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल उड़ाते थे कहां से बनाएंगे। अखिलेश जी अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है, हमारी वादा पूरा हो रहा है। मित्रों, केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज घोषित किया है मोदी जी के निर्णय के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने वाला है। मित्रों, आज यूपी मेक इन इंडिया में
इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है और लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भूमि पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये माफिया जो घूमते थे या नहीं घूमते थे बताओ भाई, घूमते थे या नहीं घूमते थे, जोर से बोलो, घूमते थे या नहीं घूमते थे, कोई दिखाई पड़ता है क्या, हिम्मत है किसी की? उत्तर प्रदेश को गंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया। और 4 साल के अंदर योगी जी ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पूर्वांचल कब से राह देखता था कि कोई आए और पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्धार करे। मित्रों, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 साल के अंदर, 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 7 हवाई पट्टियां बन रही हैं, 141 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में है, 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कार्य प्रगति पर है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, 14,160 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा कराया गया है और 14,935 किलोमीटर सड़कों को नया बनाया है, जिसमें 519 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ, 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया है। मित्रों, विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। डिफेंस कॉरिडोर आया है, ये मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र नक्सली जिले गिने जाते हैं। अभी अभी मैंने रिव्यू करा है और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तीनों नक्सलवाद के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। नक्सलवाद को भी समाप्त किया गया है। 1574 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट, डकैती, हत्या ये सब में 50% से लेकर 28% की कमी दर्ज की गई। मित्रों, ये तभी होता है कि इसके पीछे कोई पवित्रता से लगे, अपनी जाति की नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने परिवार का नहीं देखा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखा जाता है तो 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का ही देखा जाता है और किसी का विकास नहीं, विचार नहीं होता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 32,500 करोड़ रुपया दिया, लगभग 78 लाख किसानों से 78,000 करोड़ का धान और गेहूं खरीदा गया, 20 चीनी मिलों का आधुनिकरण किया गया, लगभग 30 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास बनाए गए, 2.61 करोड़ शौचालय बनाकर माताओं बहनों के सम्मान को बढ़ाया गया, सौभाग्य योजना में 1.24 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, 1.47 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, योगी जी ने इसको नीचे तक पहुंचाया। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को काम करने की ताकत देता है, आपका जो आशीर्वाद मिलता है
वो आशीर्वाद किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, देश के 135 करोड़ की जनता के लिए है। आपका जो आशीर्वाद मिलता है देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलता है। आपका आशीर्वाद जो मिलता है वो कितनी छोटी कुमारिकाओं बच्चियों को मिलता है जिनको एक सुरक्षित माहौल पूरा करने का काम करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, मैं बरोबर यही था, सब अटकले लगाते थे। कांग्रेस और सपा इकट्ठा हो गए, सपा बसपा और कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए, मगर आप नहीं डिगे। आपका आशीर्वाद बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। मुझे भरोसा है 2022 में भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को जरूर मिलेगा और अभी से भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाकर यूपी की सेवा के लिए कटिबद्ध हो। मित्रों, ब्रह्मर्षि सर्वंग और महर्षि अगस्त्य की ये भूमि के अंदर आज मुझे भी मौका मिला है माँ विंध्यवासिनी का धाम का जो पूरा परिदृश्य बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया है, इसमें हिस्सा लेने का। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूँ और आप सब वक्त का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी बारिश की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, अरे जोर से बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, उस हौसले को देने के लिए जिससे हम सब मिलकर नए और आत्मनिर्भर समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि अब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और आप सब यहाँ पर आए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आयोजन संपन्न होता है। मैं चाहूंगी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें, अपना विश्वास दें, अपना बल दें, जिससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण हो और वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। एक बार फिर उसी उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन, भारत माता की। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सभी से अनुरोध है कि माननीय विशिष्ट गण लोगों के प्रस्थान तक व्यवस्था को बनाए रखें और उनके प्रस्थान के पश्चात ही आप यहां से प्रस्थान करें।